हाल लुआया हाल लुईया हाल प्रेस कार जाओ बरेगी गए सब मेरे व्यूअर्स गए मिलकर गए खुदा का मसा लम्बा बल्मा बढ़ता जा रहा तू लुअ्रेस यू To learn, to teach from one another. Dear Jesus, bind us together, O Lord, and fill us with the mighty power of Holy Spirit. That only I should preach. Not my thought. I want to preach your thoughts. Because your thoughts change people. Your thoughts change thieves. Your thoughts change prostitutes. Your thoughts change evils. Your thoughts change wicked evils hallelujah praise god ki. thank you jesus i can see with the eyes of faith that you have enveloped us with the mighty power of holy spirit thank you jesus that you are present among us and you are going to bless in a mighty way this evening hallelujah थैंक यू लार जीसस तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो आमीन फ्यू डेज सिंस फ्यू डेज वी आर टीचिंग ओवर डेटी अलहूत मसीह आज रूवे बाइबल मसीह की अलहयत आज रूवे बाइबल बेशक गैर कौमें तो मसीह की अलहयत को नहीं मानती नॉन क्रिश्चियन डू नॉट बिलीव द डेटी ऑफ जीसस क्राइस्ट बट यू आल्सो नो बीइंग बींग क्रिश्चियन पीपल दोस्त हु डिक्लेयर दिस दैट दे आर क्रिश्चियन they announce that they are christian but they are not a, not a christian why because they do not believe on holy trinity i agree there is no word written trinity in whole bible but there is many many verses which explain the deity of Jesus Christ. Hallelujah praise God Je Bareki! And now I will start uh, uh, something which I have already spoken within a few minutes I will come on my fourth topic, the reference which I have given you people and based on Facebook, Colossians, चैप्टर टू वर्स नाइन दुलनेस ऑफ द लॉर्ड इज लिफ इन जीजस हलूत की सारी मामूरी मुजस्म होकर खुदाम यसु मसीह में सुकूनत करती है एंड ऑल्सो सेकेंड रेफरेंस गास्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी टू वर्स फोर्टी वन टू फोर्टी सिक्स यहां पर खुदा युस मुसी फकीय और फरीशियों से पूछ रहा है ये इज आस्किंग फ्रॉम पेरिस उनसे पूछ रहा है कि आप मुझे क्या कहते हो Or Yasun Sepucha what what do you think about me? What I am? What they said? They said you are the son of David. And what Jesus replied? Jesus replied how David

You, uh, you, 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 you got my point? Jesus asked the Pharisees, What do you think about me and what do you say to me? They said, You are son of David. And then Jesus replied to him, Why David says to Jesus, Lord? कॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट खुदामन ने मेरे खुदाम से कहा मेरी दैनी तरफ बैठ पास खुदामन कहता है वेन डेविड सेट जीजस ही एज लॉर्ड, देन हो, ही बिकम हिज सन, वो कैसे उसका बेटा ठहरा देन नेक्स्ट Gospel of John chapter 14 verse 8. Philippus said to Jesus, Show us Father. And what Phil, uh, Jesus said, The one who has seen me, he has seen Father. Why? Because we both are one. If anyone has seen me, he has seen Father. <coughs> hallelujah, praise God, for salvation, without, if you want to get salvation, believing Jesus, having faith, on deity, without deity, you cannot get salvation, what I said, विदउट बिलीविंग डेटी ऑफ जीजस क्राइस्ट यू कैन नॉट गेट सॉल्वेशन नो मैटर हुईन आर नॉन क्रिश्चियन नो मैटर इफ एनी वन वॉन्ट टू गेट सॉल्वेशन हीज टू ब्रिंग फेथ अपॉन द डेटी ऑफ जीजस क्राइस्ट है उन्हें खुदा युसु मसीह की त पर ईमान लाने की जरूरत है एले लुहिया खुदाम का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद हो प्लीज रीड रोमन टेन नाइन रीड रोमन टेन नाइन अगर तू अपनी जबान से यस्ू के खुदामंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदामन ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा क्योंकि कलामस का मतलब करने से पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की तब्दीली उस वक्त हुई जब उन्होंने यसू को अपना खुदामद कबूल किया पालू जा की राह पर जा रहा था और उसने अचानक एक जबरदस्त नूर को देखा तो उसने कहा खुदाम तू कौन है जो मुझे आ, ताता खुदाम ने कहा उसने कहा कि कौन है खुदा मत उसने कहा कि मैं यसू और उसी वक्त वो ईमान ले आया तो हमें खुदा की अलवियत पर ईमान लाए बगैर हम सालवेशन हासिल नहीं कर सकते हमें नए इंसान बनने के लिए लिखा है कि आ, रोमन सेकंड रोमन फाइव सेवनटीन दन हुस ही इज न्यू क्रिएचर अगर आपके पास दौलत है तो आप नए इंसान नहीं है यू कैन नॉट एंटर इंटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीजस टू हेमली किंगडम आप दौलतमंद हैं आप शोहरत जाप्ता है आपका नाम है यू हैव एवरी थिंग वे यू नीड बट इफ यू आर नॉट बॉन्ड अगेन यू आर नथिंग जो मसीह यस्सू में है ही एज अ न्यू क्रिएटर वो नया मखलूक है वो ही खुदा की बादशाह में जा सकता है और उसके बाद एक हवाला और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं from the from the old testament isaiah chapter 9 verse 6 and 7 अजाया नाइन सिक्स सेवन इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत के कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अबियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा इस हवाले में दो बातें पाई जाती हैं इस हवाले में खुदा इंसान पैदा हुआ और यसु मसीह बतौर खुदा हमें बख्शा गया खुदा की डुअल पर्सनैलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है और इस डुअल पर्सनैलिटी के हवाले से अगर आप सबूत मुझसे मांगते हैं सेकेंड मोती चैप्टर टू वर्स फोर एंड फाइव सेकेंड सॉरी uh, पहला थमोती फर्स्ट थमो चैप्टर टू वर्स फाइव क्योंकि खुदा एक है खुदा और इंसान के बीच में भी दरमियानी भी एक यानी मसीह यसु जो इंसान है अगर आप इस मजमून से भरपूर इसफा हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए हवाला जात को जरूर तलावत करें जब कभी भी कोई आपसे मसीह की अलहत के बारे में सवाल करे तो आप जवाब दे सके बल्कि मसीह को खुदावन जान कर दिलों मुकदस समझो अपने दिलों में मुकदस समझो आज दुनिया में बहुत सारे लोग ना सिर्फ मसीह की अलहत से बल्कि उसके कुमारी से तजसम और उसके मौत और जी उठने का भी इनकार करते हैं लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इनकार करे या ना करे मैंने शुरू में कहा कि खैर कौमे तो मसीह की अलहत का इनकार करती ही है लेकिन हमारे अपने फिर जो कि जिनको हम हेरसीज कहते हैं चर्च ऑफ गॉड वो मसीह की अलहत को नहीं मानता ओनली दिस यहोवा विटनेस वो खुदा को उसकी अलहुयत को नहीं मानते मॉर्मनिज्म खुदा यीशु मसीह की अलहुयत को नहीं मानते बेशुमार और फिरके हैं हजारों की तादाद से तो इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि हम इस बात को uh, सीखे मिलकर तो आ, कल सॉरी परसों मैंने पहले तीन मैसेजेस मैं दे चुका हूं एट पॉइंट मसीह की अलहत के हवाले से मैंने शेयर किए हैं नाउ आई एम गोइंग टू शेयर पॉइंट नंबर नाइन व्हाट आई सेड आई एम गोइंग टू शेयर प्वाइंट नंबर नाइन अबाउट डेटी ऑफ जीजस क्राइस्ट विच कंफर्म देटी ऑफ जीजस एक्सोडस चैप्टर थ्री वर्स फोर्टीन वट आई सेट एक्सोडस चैप्टर थ्री वर्स फोर्टीन खरूच तीन बाप और उसकी चौदवी याद खुदा और यस्सु मसीह दोनों ने अपना जाति नाम मैं हूं बताया खुदा पुराने आदनामे में अपना नाम मैं हूं मूसा को बताता है नए आदनामे में खुदा यस्सु मसीह इब्रह से को अपना नाम मैं हूं बताता है यानी दोनों ही ने अपना नाम मैं हूं बताया तो मैं अब आपके सामने इस वर्ष को पढ़े देता हूं जब खुदा मूसा को फिराउन मिस्र में भेजा कि तो मेरे लोगों को चढ़ा तो मूसा ने ये जाफी सवाल कर डाला कि वेन फ्रोहा बिल आस्कू है सेंट यू? आपको किसने भेजा है तो मैं उनको क्या बताऊं तो वट जीजस सेड वेन फुरोहा विल आस्क यू यू विल से हिम गार्ड सेड आई एम हु आई एम दिस इज वट यू मस्ट से टू फरोहा आपने फरोहा से यह कहना है कि मैं हूं ने भेजा है हु इज एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैं हू ने मुझे भेजा जीजस सेट हिज नेम वेन फ्रोहा विल आस यू सेम आई एम हु आई एम दिस इज वट यू मस्ट से टू आप फ्रोहा से ये बोलना

चैप्टर एट वर्स नंबर फिफ्टी एट खुदाम यस मसीह ने कहा इससे पेश के इब्राहम पैदा होता मैं हूं ये वो बात मैं कह रहा हूं कि जीजस ने भी अपना नाम मैं हूं बताया यहूदी इस बात को सही समझे कि इसने कुफर बका है ये अपने आप को खुदा कहता है यही वजह है कि वो उसको संसार करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि कुफर की सजा जो है स्टोनिंग थी जब जीसस ने अपने आप को खुदा साबित किया तो यहूदी पुराने ऐदनामे के हवाले को कोट करते जो अभी आपसे मैं शेयर करने को जा रहा हूं और उस हवाले के तहत वो उसको संसार करने के लिए स्ट्रोने करने के लिए तैयार हो गए लिविटिकस चैप्टर ट्वेंटी फोर लिबिटिकस चैप्टर ट्वेंटी फोर वर्ष नंबर फिफ्टीन टू सिक्सटीन अबार चौबीस बार, पंद्रह और सोलह तो वहां पर इस वाले को में लिखा है कि जब कोई खुदा के नाम पर कुफर बके तो उसको संसार किया जाए और बहन मसरत और सैम और दूसरे लोग हैं वो जरूर लिबिटिकस चैप्टर ट्वेंटी फोर वर्ष फिफ्टीन टू सिक्सटीन को पोस्ट कर दें थैंक यू वेरी मच हाँ जीजस सेट आई एम टेलिंग यू दी ट्रूथ बिफोर एब्राहम वॉज बॉर्न आई एम तो ये मैं बात कर रहा हूं कि खुदा ने भी अपना नाम आई एम बताया और जीजस ने भी अपना नाम आई एम बताया और बहुत सारी बातें हैं मैं उधर नहीं निकलना चाहता ना आप लोगों को खुद उलझना चाहता हूं ना आप लोगों को उलझाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हम मसीह की अलहियत को जो रेफरेंस हैं उनको अच्छी तरह से समझें लॉर्ड इज प्रेजेंट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर फादर इज प्रेजेंट एवरीवेयर सेकंड क्रॉनिकल सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर सिक्सटीन वर्स नाइन लिखा खुदा हर जगह मौजूद है उसकी आंखें सारी दुनिया की सैर करती हैं यानी जो कुछ दुनिया में हो रहा है खुदा वो सब जानता है सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर सिक्सटीन वर्स नंबर नाइन दूसरा तवारीख 16 बाप 9 आयत इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं द लॉर्ड की होल वर्ल्ड वो पूरी दुनिया को ऊपर से देख रहा है वो हर जगह मौजूद है कौन खुदा हर जगह मौजूद है और मसीहसू भी हर जगह मौजूद है तो ये दोनों बातें जो बाप की और बेटे की हैं ये सिमिलैरिटी उसकी लोहयत को जहर करती हैं उसकी डेटी को जहर करती हैं इफ यू विल रीड मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 यहाँ खुदाम यस्म, खुदान युस मसीह ने कहा मैं हर जगह हाजिर और नाजर हूं आई एम ओमनी प्रेजेंट जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूं एंड सेकंड रेफरेंस मैथ्यू ट्वेंटी एट मैथ्यू ट्वेंटी एट वर्स ट्वेंटी आफ्टर रेजरेक्शन जीज सेड आई एम विद यू फॉर एवर टिल एंड ऑफ दिस वर्ल्ड देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं इंसान जो है वक्त और स्पेस की कैद में है इंसान एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है तो अगर कोई एक वक्त में हर जगह मौजूद हो तो वो सिर्फ खुदा की जात ही है खुदा की जात के अलावा कोई हर जगह मौजूद नहीं जैसे हम इस वक्त ऑन एयर हैं, हम ये क्लेम कर रहे कि खुदा हमारे साथ है इसी तरह और बहुत सारे खुदा के खादम इस वक्त ऑन एयर होंगे या कलाम सुना रहे होंगे वो भी ये कह रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है हु इज करेक्ट है। क्या हम या वो कौन करेक्ट है तो आपका जवाब सही है कि हम दोनों सही हैं वाई बिकॉज जीसस इज उमनी प्रेजेंट इज एवरीवेयर उसने कहा जहां दो या तीन मेरा नाम लेके जमा होंगे आई विल बी देयर मैं उनके बीच में मौजूद हूं और आप इस कलाम को अपने दिल में जगह दें और समझें और सीखें और आगे बढ़ें और तरक्की करें नंबर अलेवन खुदा से कोई बात पुशीदा नहीं है नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड अज़ाया फोर्टी सिक्स

जो पेशन गोया की जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही उसका रिजल्ट निकला हालेलुया। लोहिया ये इंसान कोई नहीं कह सकता मैं और आप कल के लिए कुछ नहीं कह सकते कल तो दूर की बात है हम एक मिनट के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो खुदा क्या कह रहा है फ्रॉम द बिगनिंग आई प्रिडिक्टेड द आउटकम लॉन्ग अगो आई फोर टोल्ड वट वुड हैपन जस्ट थिंग अबाउट दीस वर्ड्स हाल लु प्रेसार्ड जाहो परे की हम खुदाम खुदा का शुक्र करते हैं और उसने कहा कि मैंने कोई बात पोशीदगी में नहीं की खुदामज सिंह ने कहा मैंने कोई बात पोशीदा नहीं कि शुरू ही से आखिर तक मैं सब जानता हूं मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने ओपन कर दिया हेले लुहिया खुदाम का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो जिस तरह बाप सब कुछ जानता है वो तमाम जमानों को जानता है वो वक्तों को म्यादों को जानता है इसीलिए तो उसने हमारी जिंदगी की हदें मकरर कर दी हमारी जिंदगी बहुत लिमिटेड है जब हमारी जिंदगी बहुत लिमिटेड है वाइल आवर लाइफ इज सो लिमिटेड And time is also very limited. Then, what we have to do? Jesus will never come when the gospel is not preached all over the world. Gospel of Matthew, chapter 24, verse 13 and 14. सीयसू का उस वक़्त तक आना मुमकिन नहीं जब तक खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचाया जाए गॉस्पल तब बनती है खुशखबरी गॉस्पल का मतलब क्या है खुशखबरी खुशी की खबर अगर बाइबल आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें आप गॉस्पल गॉस्पल बोलते रहें। तो क्या वो गाजपल बनेगी कभी घासपल नहीं बनेगी गाजपल का मतलब है खुशी की खबर आपके घर में गाजपल पड़ी है वो घर में ही पड़ी हुई है वो गाजपल नहीं हो सकती आप शायद कहेंगे आज ब्रदर कैसे बात कर रहा है मैंने कई बार पहले भी यह बात कही बंद गॉस्पल गास्पल नहीं है गास्पल वही है कि जब हम किसी को प्रीच करें जब हम किसी से किसी को कलाम सुनाए गॉस्पल सुनाए खुशी की खबर बताएं तो तब वो गास्पल बनती है आर यू एग्री मी अगर आप लोग मेरे साथ एग्री हैं तो प्लीज राइट आमीन बंद घासपल कोई घासपल नहीं है बंद गास्पल लोगों को कैद करना है बंद घासपल मैंने क्या कहा लोगों को कैद करना है इंप्रिजन करना है बंद गाजपल जो है लोगों को नजात से बगैर रखना है भैया आप खुशखबरी सुनाएंगे तो फिर ही लोग नजात पाएंगे ना अगर आपकी गास्पल घर में पड़ी है तो लोग नजात कैसे पाएंगे बंद गास्पल कोई गास्पल नहीं है तो आप इस वक्त अपनी जिंदगी में देखें कि आप ने दिन में आज कितनी बार गास्पल यानी खुशखबरी लोगों तक पहुंचाई हमें मौका ढूंढना चाहिए लोगों तक इस कलाम को ले जाने का जब हम अंजील सुनाते हैं तो लोग कैद से रिहाई पाते हैं लोग मखल सी पाते हैं लोग शफा पाते हैं अंधे देखते हैं लंगड़े भागते हैं ओ हाले लोहिया बांध जोड़े शफा पाते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस आए मंद खुदा तू मुझे फजल दे और मेरे व्यूअर्स को फजल दे कि हम आज के बाद गास्पल को बंद करके ना रखें बंद गॉस्पल कोई गॉस्पल नहीं है हाले लोहिया तू हमें फजल दे कि हम तेरे गॉस्पल को ओपन करें और लोगों को समझाएं हाले लोहिया थैंक यू लॉर्ड जीसस बात कहां से चली कहां तक पहुंची बात यह थी कि वो सब कुछ जानता है जब कलाम में मुकदस को घासपल को वो सुना रहा था एक टेंपल में और हवाला में बता दूं ताकि आसानी हो जाए मार्क चैप्टर टू वर्स एट मार्क chapter 2 verse 8 it will be benefit for you if you will read mark chapter 2 starting from verse 1 to 11 but i am just quoting verse 8 actually you know what happened four people brought one paralyzed person jesus was overcrowded with people and they astonished, how can we reach to Jesus? There is no way to reach Jesus. Suddenly, they thought, we have one way. They went up to terrace, roof, and they lowered down.

देती नजर आ रही गुनाह कौन माफ करता है गुनाह वही माफ कर सकता है जो खुदा हो खुदा के अलावा कोई इंसान मारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता और और फरीसियों ने अपने दिल में खुसर फुसर करनी शुरू की कि ये कौन होता है कि गुनाह माफ करने वाला ये कुफर बकता है एंड जीजस इज ऑल नोइंग हाले लुईया प्रेज गार्ड जय हो बरे की आपका यस्ू मेरा यस्ू हम सबका यसु ऑल नोइंग वो सब जानता है कि कल क्या होगा परसों क्या होगा 2018 में क्या होगा ही नोज एवरीथिंग नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिज आई फ्रॉम हिज आईज कोई चीज उसकी आंख से कोई छुपी हुई नहीं हाल प्रेस काट जय हो बे की और यसु ने फिर अपनी अलहू से खुदा होने के नाते से उनके दिलों को पढ़ लिया कोई इंसान किसी के दिल के ख्यालों को नहीं जानता स्वाय इंसान अपने आपके लेकिन खुदावन ने पहले उनके गुनाह मुआव करके अपनी लोहियत को जहर किया फिर उनके दिलों को पढ़कर अपनी लोहियत को जहर किया खुदावन ने उनको कहा वट इज इजी टू फॉर गिव सिंस एम वंस आर टू गिव हीलिंग वट इज इजी नियर यू पीपल आप लोगों के नजदीक कौन सी चीज जो है वो ज्यादा आसान है गुनाह माफ करना आसान है या ये कहना चार पाई ठा और चाल फिर तो लिहाजा हम हाँ, मेडिकल मेरा मेडिकल में मेरा शोभा रहा है और हम हाँ, मेडिकल में एक टर्म कहते थे फाइंड दी काज एंड ट्रीट दी काज खुदा यीशु मसीह ने उसकी काज को ढूंढ लिया कि ही वाज पैरालाइज बिकॉज ऑफ सिंस वो अपने गनाहों की वजह से बीमार था वो अपने गनाहों की वजह से पैरालाइज था एक और पैरालाइज का जिक्र मिलता है गास्पल ऑफ जॉन चैप्टर फाइव जो साल से बीमार था ऑफ़ चैप्टर फाइव स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स वन टू अलेवन और वो शख्स भी गुनाह की वजह से ठत्तीस साल से बीमार पड़ा हुआ था और खुदाम इससे साबित होता है कि सम टाइम वी फॉल्सिक बिकॉज ऑफ आवर सिंस अपने ग्रहों की वजह से हम बीमार हो जाते हैं और खुदाम ने उनके दिलों को परख लिया फिर गाजपल ऑफ जॉन चैप्टर टू वर्ष ट्वेंटी फोर ये बड़ी जबरदस्त वर्ष है गाजपल ऑफ जॉन चैप्टर टू वर्स नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव लेकिन अपनी निस्बत उन पर इतबार ना करता था इसलिए कि वो सबको जानता था क्योंकि वो आप जानता था इंसान के, के दिल में क्या क्या है इसके साथ दो वाला जात और आप लिख लें जो बहन भाई स्टडी कर रहे हैं गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर फाइव वर्स ट्वेंटी टू लुका पांच बाईस गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर सिक्स वर्स नंबर सिक्सटी फोर यूना छः बाप चौसठ चौसठ है यानी खुदा सब कुछ जानता है नोइंग तो अभी मैंने कहा उसने अपनी रूह से मालूम करके उनके ख्यालों पर उन उनके ख्यालों को उन पर जाहिर कर दिया एट वंस जीजस

को बयान करती हैं और मैंने इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के सामने रखा कि गैर मसीही तो जो नहीं मानते ना माने लेकिन हमारे अपने लोग भी कितने फिर हैं जो मसीह की लोहियत को या उसके खुदा होने को नहीं मानते वो इंसानों की तालीम को मानते हैं नंबर बारह अभी थोड़ी देर मैंने इसका जिक्र कर दिया है नंबर अलेवन में कि वो गुनाह माफ करने का इख्तियार है ये साया सिर्फ हवाला नहीं मैंने बताया था पुराने अदनामे का कंपेरेटिव स्टडी के हवाले से अब मैं हवाला जो बता रहा हूं कंपेरेटिव स्टडी के हवाले से खुदा भी गुनाह मुआफ करता है और बेटा भी गुनाह मुआफ करता है नंबर ट्वेल्व वट आई सेड खुदा भी गुनाह माफ करता है और बेटा भी गुनाह माफ करता है अजाया वन टेन ये साया पहला बाप उसकी दसवीं अगर अगरचे तुम्हारे गुनाह क्रिमजी हो वो भी बर्फ की मानस सफेद हो जाएंगे क्या लिखा है अगर चे तुम्हारे गुना क्रम हो वो भी बर्फ की मानन सफेद हो जाएंगे और फिर एक और खूबसूरत हवाला कौन सा पहला जहला बाप दास अजाया फॉर्टी फोर सेकेंड रेफरेंस वाइल वी आर डूइंग कंपेरेटिव स्टडी अजाया फोर्टी फोर ये साया चवालीस बा उसकी बाईस एथ वर्ष नंबर ट्वेंटी टू चवालीस बाईस एथ मैंने तेरी खताओं को घटा की मानंद क्या लिखा है ये साया चवालीस बा, बाईस ऐप में मैंने तेरी खताओं को घटा की मानंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानंद मटा डाला है हाल लोहिया मटा डाला सराजों के लफ्ज़ इसमें ग्रीक में और हिब्रियो में जैसे हम स्या चूस कहते हैं जहां सियाही गिरती है सियाई चूस वहां रखते है वो सियाही को चूस लेता है तो ये वो मीनिंग है यहां पर इसके नए अदनामे में भी और पुराने में भी और नए अदनामे का हवाला मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया है मार्क टू एट मसीह यसु ने उस मफलूज के गुनाह माफ करके साबित किया कि मैं खुदा हूं दुनिया में ना कोई हस्ती आज तक पैदा हुई है और ना ही पैदा होगी एक ही हस्ती दुनिया में आई जिसने सलीब पर अपनी जान देकर एक ही बार तमाम गुनाहों को और तमाम कुर्बानियों से हमारी मखल कराई है प्रेस गार्ड जाओ बरे की खुदाम की तारीफ हो नंबर थर्टीन कलाम मुकदस में लिखा है कि वर्षअप जो है सिर्फ खुदा को वाजब है वर्षअप से मराद यहां मेरा कहने का मतलब है सजदा करना बोडाउन यानी सजदा सिर्फ खुदा की जात को वाजब है किसी इंसान को वाजब नहीं और इस हवाले को आप खुद पढ़ें मैथ्यू चैप्टर फोर वर्स नंबर नाइन एंड टेन सेकेंड रेफरेंस रेवल्यूशन मकाशवा बाईस बाब, आठ से नौ तक आप जानते हैं जब आखिर को खुदाम यु को भूख लगी तो अबलीस उसके पास आकर कहता है अगर तुम तो मुझे सजदा करे तो मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा वट सेड? सजदा सिर्फ खुदा की जात को है खुदा को करना चाहिए अबलीस उसको छोड़कर चला गया अब नए आदनामे में हम देखते हैं खुदा यसु मसीह ने कहा किस किस जगह सजदा किया पुराने में का हवाला मैंने अभी जो कंपेरेटिव स्टडी दी है कि सजदा सिर्फ खुदा की जात को है तो इसमें आप हवाला नोट कर लें जेंसस ट्वेंटी टू वर्स फाइव पदेश बाईस बाप उसकी पांचवी आय जहां पर इब्राहिम इस को कर्बान करने के लिए जाता है तो वो उन तीनों जो उसके साथ जवान आए थे कहा खड़े रहो हम खुदाम को सजदा करके आते हैं तो सजदा फकत खुदा की जात को है ले लु प्रेस जाहो बरे की तो हम खुदाम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं दाम मसीह ने सजदा कबूल करके दुनिया वालों पर साबित कर दिया कि मैं खुदा हूं आप हैरान होंगे कभी किसी ने बड़ों को तो चलो हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं ताजीमी तौर पर कुछ लोग ऐसा झुक झुकते हैं सलाम करने के लिए लेकिन किसी बच्चे को कभी किसी ने सजदा नहीं किया होगा कोई हवाला याद आ रहा है कि कभी किसी ने किसी बच्चे को सजदा किया हो अगर याद आ रहा है तो आप जरूर मेरी हेल्प कर सकते हैं अगर आप मती दो बाप उसकी बारहवी आयत लेके ऑन वर्ड पढ़ें जब मजूसी आए वाइस मैन आए ईस्ट से आए और उन्होंने अपने डब्बे खोल कर खुदामन के सामने झुक कर उसे सजदा किया मैं ये अजाफी बात यहां बताने लगा हूं आप सबको इसका फायदा होगा वट गिफ्ट दे हैवर टू जीजस जब उन्होंने अपने गिफ्ट खुदा ने मसीह को पेश किए तो वो बकायदा वो खुदा के सामने उस बच्चे के सामने झुक कर उन्होंने सजदा किया सोना मोर लबान और ये उसकी एन हसीयत के मुताबिक थे सोना उसकी उसके बादशाह होने को जहर करता है लबान उसकी कहानत को जहर करता है उसकी मौत को करता है। इन लोगों को कैसे पता चल गया कि ये इतने कीमती ऑफरिंग या गिफ्ट लेकर आए जो एन खुदाम यसु मसीह की जात के मुताबिक थे ये लबान और ये सारी चीजें अगर ये उनके जो है ये मजूसी थे और अमलियात के अंदर ये खुशबुए इस्तेमाल करते थे जब वो अमल करते थे तो इन अगरबत्तियों को और अगर को और इसको मोर को जलाते थे फिर वो अपना जैसे जादूगर होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं और वो ऐसी अगर की चीजें जलाते हैं तो हुआ क्या वट हैपन जैसे ही उन्होंने उसको खुदा यसु मसीह को सजदा किया तो उन्होंने मसीह यस्सु को अपना बादशाह कबूल कर लिया और जैसे वो झुके तो खुदा ने उनके दिल का ऑपरेशन कर दिया उन्होंने करार किया ये चीजें जो पहले हमारे जादू मंत्र में इस्तेमाल होती थी आज के बाद हम तोबा करते हैं हम इन चीजों को तर्क कर, कर देते हैं और दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कोई यस्ू के पास आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है हाल उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है हाल लुहिया प्रेस काट जाओ बरे बरे की दी मैन केम फ्रॉम ईस्ट देव आर दर्स्ट वेंजलस फॉर जेंटाइल्स जहां कहीं गए उन्होंने इस बात की मनादी की हैले लुया खुदाम का शुक्र हो उन्होंने खुदान युसु मसीह की पैदाश पर मजूसियों ने सजदा किया नंबर दो जन्म के अंधे ने खुदान यसुम मसीह को सजदा किया गॉन चैप्टर नाइन वर्स थर्टी एट जब वो अंधा शफाप आ गया तो उसने खुदामंद को सजदा किया जब उसने सजदा किया तो मशीन उसको रोका नहीं बल्कि सजदा कबूल करके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं खुदा हूं हाले जीसस। गास्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर एट वर्ष वन टू टू मती आठ बाप एक से दो और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा आए खुदामन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है तो इस कोड़ी ने आकर खुदामंद को क्या किया सजदा किया और लफ्जों पर गौर करें हाँ हाँ लफ्जों पर गौर करें और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया यानी सजदा सिर्फ खुदा की जात को वाजिब है जब उसने यसु मसीह को सजदा किया तो उसको खुदा मान लिया और सिर्फ जबानी नहीं ऐसे नहीं बल्कि अमली उसके अल्फाज बताते हैं आए मन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है कुड़ी ने उसे खुदा कहा हैले लुआया अगर कोई ना माने तो हम जबरदस्ती किसी को नहीं मना सकते मैंने चंद एक बिदात चीज के नाम गिने हैं और वो कभी भी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते जब तक के वो यीशु मसीह को खुदा ना मान ले ईमान लाना दिल से होता इकरार करना मुंह से होता कि यीशु मसीह ही खुदा है तो तब तुम निजात पाओगे ऐले लुहिया प्रेस कार्ड जाओ भरे की और मरकस दस बाप सत्र में एक दौलतमंद जवान भागावा यसू के पास आता झुक कर को सजदा करता है कहता है कह नेक उस्ताद में क्या करूं कि की जिंदगी का वारिस बनू तो लहेजा ये बेशुमार वाला जात है जो इस बात को जाहिर करते हैं तो हम खुदामंद खुदा का शुक्र उसकी तारीफ करते हैं खुदाम यसु मसीह ने सजदा कबूल करके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं खुदा हूं नंबर फोरटीन आखिरी पॉइंट है खुदामंद खुदा खुदा शफा देता है और बेटा भी शफा देता है नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दी सेमिलैरिटीज खुदा के हवाले से और बेटे के हवाले से खुदा शफा देता है साया तिरपन बाप चार से पांच अजाया फिफ्टी थ्री वर्स फोर एंड फाइव वो आप हमारी कमजोरियों को बदकारियों को उठा के अपने ऊपर ले गया मिल गई वर्ष डाल दें फिर अजाया थर्टी फाइव वर्स थ्री टू फाइव जाया थर्टी फाइव वर्ष नंबर थ्री टू फाइव यानी खुदा शफा देता है और बेटा भी शफा देता है ले लुआया प्रेस कार्ड जय हो बरे की तो लिहाजा हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं फिरा उनके जमाने में भी ऐसे जादूगर थे जिन्होंने उन्होंने ऐसा काम करने की कोशिश की और लेकिन उनकी शफा महदूद थी उनकी शफा क्या निकली महदूद निकली और वो आगे जो है शफा ना दे सके और उन्होंने कहा कि ये काम क्या है ये खुदा का काम है God, जाहो बरे की खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद हो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू बुक ऑफ जॉब चैप्टर फाइव वर्स नंबर एटीन क्या लिखा जी क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं तो मैं ये पैराल स्टडी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ के बनाने ऐतनामे में हम ये सीखते हैं कि खुदाम खुदा जो है वो बीमारों को शफा देता है चंगाई बख्शता है और बेटा भी हम ये देखते हैं कि वो भी शफा देता है अरे लोहिया खुदाद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो हाले लुहिया इसके अलावा और बेशुमार हवाला जात हैं। मैं अब और मजीद हवाला जात आपसे शेयर नहीं करूँगा कि आप कहीं थक ना जाएं अब मैं नए आदनामे में मसीह यस्ु के हवाला जात के बारे में आपसे शेयर करूंगा खुदा यस्ु मसीह भी शफा देता है खुदा यसु मसीह को बदरूहों पर इख्तियार था गल ऑफ लूक चैप्टर फोर गाजपल ऑफ लूक चैप्टर फोर वर्ड थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स तो खुदामंद खुदा को बदरूहों पर इख्तियार था खुदाम यसु मसीह ने मर्दों को जिंदा किया ग इससे पेश तरह के मैं आ, आ, सेकंड पॉइंट बताऊं यानी हीलन के हवाले से कि वो अंधों को पहले बताया कि वो बदरूहों को बद्रूह लोगों को आज़ाद करता था अंधों को बनाई बख्शता था बर्तल्माई को उसने शफा बख्शी मरकस चालीस बाब उसकी आयत को आप पढ़कर देखें मरकस दस फोर्टी फोर और इसके बाद मैंने बताया कि एक अंधे को खुदाम ने शफा दी मुकदस जूना की अंजील शुरू में शिगिरदों ने पूछा कि खुदाम रबी क्या इसने गुनाह किया जिसके माँ बाप ने गुनाह किया यसु ने क्या कहा ना इसने गुनाह किया है ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल जहर हो तो लहजा खुदाम ने उस अंधे को शफा दी फिर उसी अंधे ने यूना नौ बाप अठती में सजदा भी किया तो हम खुदाम खुदा का शुक्र थे अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि खुदाम यसु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया कुछ मुर्दे ऐसे थे जो के घंटे या चंद घंटों के थे कुछ को ज्यादा टाइम गुजर गया था और कुछ मुर्दे ऐसे जिंदा किए जिनको दिन लग गए थे ये है लाही कुदरत का बयान बादत खाना सरदार की बेटी को यार की बेटी को खुदा यसु मसीह ने अभी वो ताजा ताजा उसकी डेथ हुई थी और मसीह यसु उसके घर में गया मार्क फाइव थर्टी नाइन टू फोर्टी थ्री मार्क फाइव थर्टी नाइन टू फोर्टी थ्री और जैसे ही घर वाले गए और उसमें उन्होंने कहा कि मालक को रबी को उस्ताद को तकलीफ ना दे बेटी मर गई है उन्होंने खुदा यसुमसी ने क्या कहा कि वो मरी नहीं है बल्कि सोती है वो हैरान हो गए और उसके बाद सबको घर से बाहर निकाल दिया खुदान यसुमसी अपने तीनों शिगर्दों के साथ अंदर गया और उसे जिंदा कर दिया कार जाओ भरे की वो अभी ताजा ताजा उसकी डेथ हुई थी और लोगों ने कहा कि उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि बेटी मर गई है नाइन के बेवा के बेटे को जिंदा करना लूका सात बाब चौदह था लुका सात बाप चौदह ऐत और नाइन के बेवा के बेटे को मरे हुए कुछ घंटे गुजर गए थे कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक आप कह सकते हैं पांच से आठ घंटे का वक्फा होगा और वो उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे मसीह यसु रास्ते में मिला और खुदा यसु मसीह की लुहियत का मुंह बोलता सबूत यह है कि यसु जिस मैयत में गया उसने जनाजा नहीं पड़ा उसने जनाजे को जिंदा कर दिया उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया हेले लोहिया हैले लोहिया प्रेस कार जाओ बरे की अक्सर हम गीत ये गाया करते थे माई ना चुक ना रो चुक चुक बामा माई ना रो चुक चुक बामा तेरा मोया पुत्र जवामा तू की डोल नहीं है तो ले हैजा खुदाम यसु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया बेवा को दे दिया उसका एक ही बेटा था हेले लुया खुदाम का शुक्र हो और बेशक दीगर किताबें लहामी किताबें भी मसीह यसू के मोजात को साबित करती है हमें उनकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है बाइबल खुद अपनी तफसीर है क्योंकि बाइबल ही सबसे पहले जो है उसका बयान है और उसके बाद अगर कोई लहामी किताब आई तो बाइबल के बाद आई और तीसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं उदाम यसु मसीह ने लाजर को चार दिन के बाद जिंदा किया लाजर कितने दिनों का मुर्दा था चार दिन का मुर्दा था यह हवाला आपको मिलेगा गास्पल ऑफ जॉन चैप्टर अलेमन और ये एंड तक आप पूरा चैप्टर पढ़ जाएं तो यहां पर हम ये देखते हैं गुदाम यसु मसीह ने चार दिन के मुर्दा को जिंदा किया जब वो शहर में आए और बहुत सारे लोग जमा हो गए फकीर फरीसी यहूदी भी जमा हो गए और उन्होंने ये बातें सुनी वो बेतनिया का रहने वाला था और वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए कि देखे कि ये चार दिन के मुर्दे को जिंदा करता या नहीं करता शायद पहले तो ताजा ताजा मुर्दे थे उनकी रूह जमीन पर ही थी तो शायद वो वापस आ गई हो उनके ख्याल के मुताबिक मारे ख्याल के मुताबिक नहीं तो खुदामन ने क्योंकि यहूदियों के नजदीक रू तीन दिन तक जमीन पर ही रहती थी फिर वो आसमान पर जाती थी क्योंकि तीसरे दिन के बाद जो है बॉडी जो है वो गल सड़ना शुरू हो जाती थी गलना सड़ना शुरू हो जाती थी और जब खुदाम ने मसीह को पता चला तो लिखा खुदाम ने एक दिन और वहां ठहरा तखीर की देर की जब मरता को पता चला तो भागी जाती है, कहती है कि आपने यस्सु बहुत देर कर दी रवि आपने बहुत देर कर दी है आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता तो उसने खुदाइम सिंह ने कहा कि उसको कहा रखा है तो उन्होंने क्या कहा खुदा अब उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है अब तो उसके बदन से बदबू आती होगी उसका बदन गल सड़ गया होगा जी ऐसा ही लिखा है अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है शायद उनकी ये ही उम्मीद थी कि वो सिर्फ आम मोजे ही करता है लेकिन ये मोजा शायद इसके लिए उनका ईमान नहीं था लेकिन खुदामंद बेजिद था यहूदी रोने लगे कहने लगे ये इतना ही इसका दोस्त था तो क्या उसको जिंदा ना कर सका लिखा कि यसू के आंसू बहने लगे यसु के आंसू बहने लगे और उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदामंद खुदा ने उसे जिंदा कर दिया प्रेस खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि बाइबल का खुदा मोजात का खुदा है और नामुमकना का खुदा है और उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, है लुया प्रेस गार्ड जाहो बरे की तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चार दिन हो गए हैं इसको मरे हुए तो यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पर ये यह देखते हैं कि खुदाम यसु मसीह ने उनको बताया आई एम मास्टर ऑफ थ्री डी आई एम मास्टर ऑफ डिले आई एम मास्टर ऑफ डिले आई एम मास्टर ऑफ डेथ आई एम मास्टर ऑफ डके अगर बदन गल सड़ भी गया तो मैं उसको दोबारा जिंदा कर सकता हूँ लुया प्रेस गार्ड जाहो बरे की खुदामन तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। कि तू हमारी, आए खुदामन खुदा इस मजमून को हम पर जहर किया कि यसु मसीह की अलहत के हवाले से हम चार दिन से फेसबुक पर ऑन एयर इस पगाम को सीख रहे हैं और हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए हमने मसीह की अलहत के हवाले से खुदा के कलाम को सीखा है थैंक यू वेरी मच इंटर डिनिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम की जानम से आप सबको थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल कल शाम को हम एक नए मौजू के साथ एक नए पगाम के साथ मिलेंगे टाइम नोट रखें याद रखें साढ़े नौ बजे शाम हमारी मुलाकात होगी थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल आमीन आमीन